Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Easy Learning. Today we are going to discuss about the topic of fractions. This is a very simple and straightforward video. If you like our video then please subscribe my YouTube channel Easy Learning. So let's start. Aaj ka hamara question hai, add the following. 1 upon 6 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3. Hume isse solve karna hai, humne yahan par likha solution. Question copy kiya. और इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई है, तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे. प्लस या माइनस करने का जो रूल होता है वो होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए. और दोनों के डिनोमिनेटर हम किस तरह सेम करेंगे कि इन दोनों के टेबल में जो फर्स्ट पर सेम नंबर आ रहा है वो है इनका एलसीएम. तो हमने सिक्स का टेबल पढ़ा, सिक्स वन ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स. तो फर्स्ट पर इन दोनों के टेबल में जो सेम नंबर आ रहा है वो है सिक्स. हमने यहाँ पर लिखा सिक्स. डिनोमिनेटर को हम जितने टाइम्स पढ़ेंगे न्यूमिरेटर को भी हम उतने ही टाइम्स पढ़ेंगे. सिक्स वन ज़ा सिक्स तो वन वन ज़ा वन, प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स तो वन थ्री ज़ा थ्री. फिर हम इसे ऐड करेंगे, वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर अपॉन सिक्स. अब फोर अपॉन सिक्स जो है ये किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहा है, और वो टेबल कौन सा है? वो टेबल है टू का. टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स. तो इन दोनों टर्म्स का जो हमारे पास आंसर आया वो है टू अपॉन थ्री. तो हमने यहाँ पर लिखा टू अपॉन थ्री. क्वेश्चन में जो हमारे पास थर्ड टर्म थी वो थी वन अपॉन थ्री. हमने यहाँ पर लिखा वन अपॉन थ्री. फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करने का जो रूल होता है वो होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर तो सेम ही है, तो हमने यहाँ पर इसे वन टाइम लिखा. टू प्लस वन इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री. अब थ्री अपॉन थ्री जो है ये भी किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहा है, और वो टेबल कौन सा है? वो टेबल है थ्री का. थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री इक्वल टू वन. क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसलिए हम आंसर भी फ्रैक्शन में देंगे. तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है. आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.